नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है आपकी बहराइच से, जहां पर डीएम ने देर रात अस्पताल जायजा लिया है। जनता द्वारा मिल रही शिकायतों की हकीकत भी जानी है और भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत भी करते हुए नजर आए हैं। मरीजों की शिकायत के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर डीएम ने देर रात औचक निरीक्षण किया है अस्पताल का और साथ ही परिजनों से जो मरीज भर्ती हैं अस्पतालों में उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं। जनता द्वारा मिल रही शिकायतों की हकीकत भी जानते हुए नजर आए हैं। ये मुझे कुछ फीडबैक मिला था प्रेस के माध्यम से भी और जन सामान्य के माध्यम से भी। मैंने इसमें आज आकस्मिक निरीक्षण किया है। कुछ पेशेंट ऐसे कंबल की आवश्यकता थी, उनको नहीं दिया गया। बाकी अधिकांश लोगों के पास कंबल इशू है। भोजन में कुछ बताया है कि सवेरे नाश्ता नहीं दिया गया, तो इसको मैं देखूंगा और इसमें गंभीरतापूर्वक इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अधिकांश लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा, कि उनको कंबल दिया गया था लेकिन उन्होंने लिया नहीं चूँकि उनके पास था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। लेकिन जो सरकारी सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध सबको कराए जाने के शासन के निर्देश हैं, कराई भी जा रही है। मेरा जो यहाँ पर रोगी भर्ती है उनसे अनुरोध है कि जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं उनको स्वीकार करें, मना इनकार ना करें, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि इनको कंबल दिया गया या नहीं दिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखने लगा है भव्य नजारा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्ध पीठों की पुजारी भी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज भी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से भव्य तरीके से काशी का ये कॉरिडोर तैयार हो चुका है, क्योंकि 13 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो इसका औचक निरीक्षण भी अब हो रहा होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था और अब इस कॉरिडोर का उद्घाटन 13 नवंबर को करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य नजारा दिखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिर भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य नजारा देखने को मिला है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के आने से पहले तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी 13 नवंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज भी है। साथ ही 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस भव्य तरीके से ये काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है जी। आपको बताना चाहेंगे कि काशी विश्वनाथ धाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वो बन के बस तैयार हो चुका है और बस इंतजार हो रहा है बनारस के सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का, कि 13 दिसंबर को आएंगे और उसको लोकार्पित करेंगे। इसको देखते हुए बनारस में पूरी जो है भव्यता से पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि लगभग एक महीने तक लोकार्पण के बाद एक महीने तक
विश्वनाथ मंदिर धाम में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और उसके अलावा बताना चाहूंगा आपको उसके पहले 13 दिसंबर को जो लोकार्पण होना है उसमें देश के चारों शंकराचार्यों के अलावा जो प्रमुख धर्माचार्य हैं, देश के साधु संत हैं, सभी को निमंत्रण भेजा गया है। उसके अलावा जो विभिन्न देशों के राजदूत हैं उनको भी बुलाया गया है। और इवन आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अंग्रेजी कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर के अनुसार 5 तारीख की रात से ही बनारस में कैंप कर लेंगे और वो 15 तारीख तक बनारस में रहेंगे। आप समझिए 10 दिन तक सीएम बनारस में प्रवास करेंगे। और यही नहीं, लोकार्पण के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट की बैठक भी वहीं प्रस्तावित की गई है। इस तरीके से आप समझ सकती है कि बनारस का जो भव्यता है वो पूरी तरीके से एकदम भव्य रूप दिया जा रहा है पूरे बनारस में। 3 दिन तक जो है पूरा दीपोत्सव मनाया जाएगा। बनारस के पूरे शहर में हर इलाके में सरकारी भवनों को भी सजाया जाएगा। इस तरीके से समस्त बनावल है वो बहुत ही जो है उत्साह वाला माहौल है, जो श्रद्धालु के अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उसके अलावा पूरे देश भर से जो तमाम लोग आएंगे, नगर प्रमुखों को बुलाया गया, जैसे तमाम जो महापौर हैं उनको बुलाया गया है, उसके अलावा देश के जितने मुख्यमंत्री उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। जिस तरीके से समस्त जो भव्यता देने का पूरा एकदम तैयारी की गई है वो एकदम काबिले तारीफ है। और जनता इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री कब आए और कब काशी विश्वनाथ को लोकार्पित करें। जी जी पंकज, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलिया से है, जहां ददरी मेला के नगर मालिक कैंप ऑफिस में नगर पालिका परिषद के सभासद और ईओ में जमकर झड़प हुई है। नगर पालिका के सभासद और अधिशासी अधिकारी के बीच झड़प का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों के बीच झड़प के दौरान पुलिस भी मौजूद रही है। फिलहाल मामला बढ़ता देख पुलिस ने सभासद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ददरी मेला स्थल पर बने नगर पालिका के कैंप ऑफिस में सभासद विकास पांडे, ईओ दिनेश विश्वकर्मा को विरोध स्वरूप जबरदस्ती माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई। झड़प बढ़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने सभासद को हिरासत में ले लिया, जबकि सभासद ने नगर पालिका के ईओ और चेयरपर्सन पर घोटाले का आरोप लगाया। वहीं ईओ दिनेश विश्वकर्मा ने कहा कि सभासद कई दिनों से रंगदारी मांगता था, नहीं देने पर उसने बवाल किया। गदरी मेला 2:15 बजे हम पहुंचे थे। पहुंचने के उपरांत प्री प्लानिंग करके विकास पंडाला वार्ड नंबर 16, जो कि कई बार जानमाल के क्षति के लिए हमको धमकी दे चुके हैं और धमकियाते भी रहते हैं, ठीक कर देंगे, जान से मार देंगे। इसी क्रम में करीब 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांग रहे हैं। और एक पार्टनरशिप में नाला सफाई का कार्य कराए थे, जो कि नगर के नाले लगभग चौक रहे, सफाई नहीं। इस पर उच्च स्तरीय जाँच हुई तो भुगतान के लिए मनाही है, फिर भी हमने 3 लाख का भुगतान किए। जब जब एसएफसी आती है तब तब दबाव बनाते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। इस तरह की इनके ऊपर पूर्व में भी मैं FIR दर्ज करा चुका हूँ। मैं बलिया नगर पालिका से सभासद हूँ और जो है अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है, मैं आज बलिया नगर पालिका कैंप में मैं उन्हें गली से बुला रहा था, क्योंकि कई मामले थे। जैसे हमारे वार्ड में जो है, आप लोगों को जानकारी होगा कि 2018 में स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा में पूरे आजमगढ़ मंडल में प्रथम स्थान आया था, 11.5 लाख रुपये का पुरस्कार भी मिला था, लेकिन ईओ द्वारा और चेयरमैन द्वारा खासतौर से, यानी मैं आपसे क्या बताऊं कि जिले की स्थिति क्या आप लोग जानते हैं, वो पैसा जो है भ्रष्टाचार कर लिया गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपया, मुझे अभी जानकारी चला है, पहले 1.5 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकाल के जो है, जो मेरे वार्ड के लिए था, आप लोग को जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले ही, करीब 20 दिन पहले, जिले के लिए सम्मान की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में यानी बलिया में आशा की किरण के रूप में मेरे वार्ड को चुना गया। मथुरा के कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि बोलेरो में सवार 4 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में बोलेरो 2 हिस्से में बच गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले लोग पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश टिकमगढ़ के पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बोलेरो कार आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी, तभी माइलस्टोन 80 के समीप तेज रफ्तार होने की वजह से अपना नियंत्रण खो बैठी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज से गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। दो दिवसीय दौरे पर दोनों बीजेपी दिग्गज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। करीब 4 बजे दोनों नेताओं का गोरखपुर में आगमन होगा। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर दूरदर्शन अर्थ स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान इटावा, गदनिया, लखीमपुर और नानपारा बहराइच के FM स्टेशनों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे ऑल इंडिया रेडियो को 1.5 करोड़ अतिरिक्त स्रोत मिलेगी, साथ ही नेपाल सीमा तक ऑल इंडिया रेडियो की आवाज गूंजने लगेगी। अब खबर एटा से है। थाना पलावन के छछैना में अवैध तमचे से फायरिंग प्रदर्शन का मामला सामने आया है। एक शादी में युवक डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग कर रहा था। अवैध तमचे से फायरिंग करने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR जांच करवानी होगी। हमारे सहयोगी ने लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लिया। क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मिलने के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के हवाई अड्डे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये अराइवल है, यानी कि जो विदेश से आने वाले यात्री हैं वो यहाँ से आते हैं और जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद अब सभी की जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी और अंदर जो जांच का काम है वो किया जा रहा है, यानी कि जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जाँच अंदर की जाती है। और आपको दिखा दें कि ये दूसरा रास्ता है जहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं वो यहाँ से, जो विदेश जाने वाले जो यात्री वो यहाँ से उनके जाने का जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 800 यात्री जो लखनऊ एयरपोर्ट पर अब तक पहुंच चुके हैं और उसके अलावा जिसमें से 200 यात्री करीब लखनऊ के हैं। 800 यात्रियों की अगर बात करें तो ज्यादातर यात्री ऐसे हैं उन यात्रियों की नहीं पा रहा, यानी कि स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, या तो उनका मोबाइल नंबर है वो नहीं रिसीव हो रहा है या फोन बंद है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता का विषय बनी हुई है कि जो लखनऊ से आने के बाद जो अलग अलग जिलों के जो लोग थे वो यहाँ पर विदेशों से होकर आए थे, उनमें क्या कुछ स्थिति है, इस सिम्टम्स को लेकर है या नहीं है, उसको लेकर चिंता जरूर बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर अब जिस तरह सख्ती है वो हो रही है, लगातार कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो यहाँ पर आने वाले विदेश आने वाले लोग हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं सभी की जाँच है वो कंपल्सरी कर दी गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो यात्री है जो विदेश जाने के लिए यहाँ पर अपनी जाँच के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और साथ तौर पर यहाँ पर पहले उनकी RT-PCR जाँच होगी और उसके बाद फिर वो आगे की जो कार्रवाई होगी, यानी कि वो विदेश है वो जा सकते हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो लाइनों में लग के यात्री हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले उनकी जांच होगी और जांच के बाद ये लोग जब उनकी नॉर्मल रिपोर्ट होगी तब ही फिर ये लोग आगे जा सकते हैं। बहुत सारे यात्री हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए ज्यादातर लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, यानी कि जो नियमों का पालन है पूरी तरीके से किया कि यह बहुत भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क है वो लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि एक कमी जरूर देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि जो दूरी बनी रहनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। पास पास लोग खड़े हुए लेकिन मास्क सभी ने लगाया हुआ है ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और देख सकते हैं जागरूकता है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके की जागरूकता आप लोग यहाँ पे फैला रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके किस जागरूकता बना रहे हैं? ज्यादा लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है। सर अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर लोग दूरी बना के रख रहे हैं और अधिकतर लोगों ने बोल दिया कि मास्क लगा अपने दूरी लगा के रखे कि कोरोना जो है इसमें फीवर बढ़ रहा है, तो हम लोग अधिकतर लोगों से बोल दिया हम लोगों ने कि मास्क में लगा के रखे और देखा है कि कुछ दूरी तो हम लोग बने भी कह रहे हैं कुछ दूरी, लेकिन कहने के प्रॉपर तरीके से जो है वो कराने की कोशिश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जो है कि किसी को
बाहर से कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे जाके मुलाकात कर रहे हैं, उनसे प्रॉपर ना करा के उनको बता रहे हैं कि प्रॉपर वो लोग मास्क लगाते रहें और उच्च दूर बनाकर ही अपना काम करें। अच्छा, पहले यहाँ पर जांच होगी, इसके बाद फिर आगे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद सर रैपिड पीसीआर होता सर यहाँ पर। तो जाहिर है जो कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है, उसके बाद पीसीआर जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ही यात्री जो है वो विदेश जा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, लाइनों में लगे हुए, बाकायदा यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा कागजी कार्रवाई के बाद उनकी जो जांच है वो की जाएगी। साथ और ओमिक्रोन को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर लगातार जो सख्ती है वो हो रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।